लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए गए बयानों पर कांग्रेस उग्र हो गई है और हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने दो टूक शब्दों में सांसद अनुराग ठाकुर को बेतुकी बयानबाजी न करने की सलाह दी है। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर अपने 3 बार के सांसद कार्यकाल का लेखा जोखा दें, न कि राहुल गांधी पर उल्टी सीधी बयानबाजी देकर जनता को गुमराह करें। कौशल जी, अनुराग जी का बयान आया है कि राहुल गांधी लाफ्टर शो कर रहे हैं। अनुराग जी अपने बचकाना बयानों के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। मुझे अफसोस है, इस बार वो तीसरी बार सांसद हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, और 3 बार सांसद बनने के बाद इंसान में काफी परिपक्वता आ जानी चाहिए। लेकिन अनुराग जी ने जिस तरह से कल राहुल गांधी जी को लेके असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। और अनुराग जी से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उन्होंने अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा का, और शायद वो प्रत्याशी हो फिर से, तो अब राहुल गांधी की आलोचना करके उनके प्रति अपशब्द कह के उनको वोट नहीं मिलने वाले। 3 बार सांसद बनकर उनकी सांसद के तौर पर उपलब्धि क्या है, उन्होंने और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और संसद के अपने संसदीय क्षेत्र के स्तर पर जो लोगों से देश और इस क्षेत्र की जनता के साथ चुनाव से पूर्व वादे किए थे, उनको पूर्ण किया कि नहीं, उसका लेखा जोखा जो है वो जनता अनुराग से चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से चाहती है। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि अब तक ज्यादातर सांसद की सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है और रेल हमीरपुर तक पहुंचने का फायदा सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया है और वह ही उसे पूरा करेंगे। कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हमीरपुर तक रेल पहुंचाने की बात जनता के सामने नहीं की है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अधिकतर समय भाजपा के ही राज रहा है और भाजपा सांसदों को रेल लाइन पहुंचाने के लिए जवाब देना ही होगा। गौरतलब है कि हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लाफ्टर शो वाला नेता कहा था, जिस पर अब कांग्रेस के द्वारा भी पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर पर निशाना साधकर उनसे हिसाब मांगा जा रहा है और अब हमीरपुर के लिए लटके रेल लाइन को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर में कभी भी पूर्व में जो चुनाव हुए हैं, लंबे समय से तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद यहां से जीते रहे हैं। पहले धूमल जी थे, फिर उसके बाद अनुराग जी हैं, बीच में मेजर जनरल विक्रम सिंह आए थे, नारायण चंद पराशर बहुत पहले हुआ करते थे, तो लंबे समय से तो धूमल जी और अनुराग जी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी वादा ही नहीं किया हमीरपुर के लोगों के साथ कि हम रेल लेके आएंगे। ये वादा अनुराग जी ने किया है, तो इसकी जवाबदेही भी अनुराग जी की है। अब उन्हीं को बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं लेके आए। जहां तक रेलवे का बात है, वो जितना हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है।